नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस माइक की कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डीजे साउंड एंड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा लीजिए बेल के आइकन को, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से माइक खोलते हैं और दिखाते हैं। ये है राइडर का वायरलेस माइक, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, हम माइक खोल रहे हैं, माइक है, जानते ही होंगे। इसमें 9 वोल्ट का बैटरी लगता है। इसको लगाते हैं, बैटरी लग जाने से माइक का पावर ऑन हो चुका है, एलईडी जल चुका है। अब देखिएगा, ये है एडाप्टर, ये है जैक टू जैक। सबको निकाल लेते हैं और ये है रिसीवर। इसमें देख लेते हैं, ये दिया गया है पावर इंडिकेटर, जिसमें लाइन आ जाएगा तो ये इंडिकेट करने लगेगा। और ये है रिसीवर आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसका जब माइक में और माइक ऑन रहेगा तो ये रेड वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जल जाएगा। और ये है रेड रेड इंडिकेटर, जो कि हम जब बोलेंगे तो उसके आवाज़ से ये इंडिकेट करेगा। और ये है वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम दिया रहता है उन्हें घटाने के लिए। तो डब्बे को हम साइड कर देते हैं। अब हम मिक्सर में लाइन दे देंगे और माइक का रिसीवर में भी लाइन देंगे, एम्पलीफायर में सब में लाइन दे करके ऑन करेंगे इसको। ये रिसीवर का एडाप्टर है जो 5 वोल्ट देता है, 12 वोल्ट का है, सॉरी ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट एडाप्टर। ये देखिए, इसमें इंडिकेटर ऑन हो गया। ये देखिए, जब मैं बोला था माइक ऑन रहेगा तो ये इंडिकेटर ऑन बताएगा। तो माइक हम ऑफ कर देते हैं, देखिए तो ये बहुत ही हरा वाला। और अगर हम माइक में बटन को ऑन करेंगे तो हरा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, देखें कैसे कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो माइक का रिसीवर में एडाप्टर दे दिए तो ये ऑन हो गया। और ये है एरियल, जो दूर से फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा। इसमें भी लाइन आ गया। अब ये जैक टू जैक है, इसमें मिक्सर के जो इनपुट 6 होता है तो हम किसी में भी लगा सकते हैं 1 से 6 तक। तो अभी हम फिलहाल 6 में लगा रहे हैं। ये है एम्पलीफायर से निकला हुआ जो आउटपुट लेफ्ट और राइट में लगेगा, देखिए आउटपुट में। ठीक है दोस्तों,
कार ऑन हो चुका है और ये जेड टू जेड जो हमारा मिक्सर से निकला हुआ है ये हमारे रिसीवर में आएगा और कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा गेन को कुछ कम थे आसमां, इसमें गेन को आधा खोल देते हैं सेंटर में। अब बेस को जीरो ही रहने देते हैं, ट्रैवल को 6-7 पॉइंट, पेन तो बीच में ही रहेगा और ये है इफेक्ट। ये इफेक्ट को अभी जीरो रखते हैं, इसको भी काम करेंगे। ये मास्टर वॉल्यूम, ये तो मालूम नहीं है। तो देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ माइक का जो रिसीवर है इसका ये लाल इंडिकेटर जलता है, इसका मतलब कि हमारी इससे आवाज़ जो आउटपुट निकल रहा है वो रिसीवर रिसीव कर रहा है, वो इंडिकेट करता है। देखिए हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो, जब हमारा माइक से बोलते हैं तो वो लाल इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने देखा वायरलेस माइक की कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम मास्टर वॉल्यूम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा आवाज़ बढ़ेगा। हेलो जी, हेलो जी, और ये जो है इफेक्ट वाली नॉब वॉल्यूम, ये इफेक्ट का मास्टर है। दोस्तों इसके बारे में जिसको जानकारी चाहिए उसका मैं स्पेशल इसका वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा अभी आई बटन पे। तो इसमें इसका भी जानकारी आप अच्छे से ले सकते हैं उस वीडियो से। और ये देखिए इसका इफेक्ट वाला नॉब है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो देखिए मेरा आवाज़ में इको आ रहा है। हेलो ठीक, हेलो ठीक, हेलो ठीक, हेलो ठीक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हम जैसे बताएं अभी आप वायरलेस माइक की कनेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, क्योंकि जो अभी साउंड नए नए खोले होंगे, साउंड का बिजनेस नया किए होंगे, उन्हें शायद ये सब जानकारी नहीं होगी, तो वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए वायरलेस माइक कनेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।